बालेश्वर में अनुषित होगा विकसित भारत विकसित ओडिशा शीर्षक आलोचना चक्र विगत दस वर्ष में भारत विकास गाथा संपर्क में कहे लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला। भारतीय जनता पार्टी पक्ष नौसी बिजनेस पार्क स्थित सम्मेलन कक्ष में आयोजित विकसित भारत विकसित ओडिशा शीर्षक आलोचना चक्र जोगद लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला विगत दस वर्ष में भारत विकास गाथा संपर्क में विस्तृत भाव आलोकपात करते सामरिक क्षेत्र में आमेरिका रूस इंग्लैंड यूरोप फ्रांस जापान जर्मनी उपर भारत संपूर्ण निर्भरशील 2014 मसीहा परे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संकल्प जो सामरिक क्षेत्र में आम 80% आत्मनिर्भरशील हो पारिथिबा बेले विभिन्न देश को एबे रप्तानी करा जाउछि। 2014 पूर्व देश में आतंकवादी घटना नियमित घटुवा बेले मोदी नेतृत्व में आतंकवादी और माओवादी भली देश विरोधी कार्यकलाप संकुचित हो पारिछि। विकसित भारत भली विकसित ओडिशा गठन नुआ योजना सहित नुआ उद्योगी सृष्टि पई केन्द्र सरकार विपुल संभावना जगाई दिछन्दि। समग्र देश में चलता विकासोन्मुखी कार्यक्रम में समानुपातिक भाव ताल देवाई ओडिशार लोके नवीन सरकार परिवर्तन चाहते बालेश्वर जनसाधारण डबल इंजन सरकार गढ़ा आह्वान प्रति समर्थन जनवा निमंते श्री बिरला निवेदन कर बदलाव करना चाहते 25 साल के शासन को देखा है लिखा गया था संस्कृत अब वो चाहते हैं कि राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दोनों दल एक सरकार होगी तो उड़ीसा विकसित उड़ीसा होगा। उड़ीसा के अंदर विकास की प्रबल संभावना है। यहाँ की जनता यहाँ के लोग मेहनत करने वाले लोग हैं पुरुषार्थ है आध्यात्मिक संस्कृति विज्ञान की धरती है। यहाँ पर विकास की उन संभावनाओं को देखते हुए अब उड़ीसा के अंदर परिवर्तन निश्चित है और राज्य के अंदर भी परिवर्तन है और देश के अंदर बड़े सभी लोकसभा सीट जीतकर नरेंद्र मोदी जी को 30 से कार्यकाल देने के लिए जनता की उत्सुकता है। समाज के सभी वर्ग चाहे गरीब हो मजदूर हो मध्यम वर्ग हो सभी संस्थाएं इस बार राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना चाहती और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 वर्षों के अंदर गरीब का कल्याण इंफ्रास्ट्रक्चर और विकसित भारत के संकल्प को जो पूरा किया है आज मेड इन इंडिया मार्ग बन चुका है। उड़ीसा की इंडस्ट्रीज उड़ीसा की कई सेक्टर्स के अंदर जो काम बेहतरीन हुए हैं उसके कारण उड़ीसा के लोगों को रोजगार मिला है। नौजवानों को देश की तकनीकी विज्ञान के सेक्टर में नए रोजगार मिले हमारे स्टार्टअप के माध्यम से नए रोजगार मिले मुद्रा योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार मिला है। आज नौजवानों के पास रोजगार की प्रबल संभावनाएं अगर कहीं दिखती है तो मोदी शासन में दिखती है और जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर भारत 2047 विकसित भारत के सपनों को भी पूरा करेगा। विकसित भारत विकसित उड़ीसा के अंदर बालेश्वर का बहुत बड़ा योगदान होगा। बालेश्वर की धरती इंडस्ट्री की धरती है यहाँ मिसाइल की धरती है यहाँ आध्यात्मिक की धरती है यहाँ के लोग मेहनती हैं और निश्चित रूप से बालेश्वर के अंदर भी का योगदान उड़ीसा का योगदान के साथ योगदान है। कार्यक्रम में सांसद प्रार्थी प्रताप चंद्र षडंगी जोगद राज्य में चलता 25 वर्ष बीजेडी कुशासन विषय वर्णना करते विपद पड़ा ओडिया अस्मिता और महाप्रभु रत्नभंडार स्थित को नहीं से चिंता प्रकट करते मोदी आह्वान अब की बार 400 बार और ओडिशा बीजेपी सरकार को सार्थक करने श्री षडंगी अनुरोध करते रेमुणा विधायक प्रार्थी गोविंद चंद्र दास और सदर विधायक प्रार्थी मानस कुमार दत्त उपस्थित रही वक्तव्य प्रदान सह स्वाधीनतार 75 वर्ष पर प्रथम थर पर लोकसभा जन बाचस्पति बालेश्वर माटी पाद समग्र जिला निजक गौरवान्वित मन कर कार्यक्रम संयोजिका ममता महापात्र सभापतित्व कर अजय अग्रवाल स्वागत भाषण प्रदान करते
विशेषकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओडिशा प्रति प्राधान्य संपर्क से आलोचना करते विकसित भारत विकसित ओडिशार अन्यतम संयोजक मोहित पदार कार्यक्रम परिचालना करते।